और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। शहर में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव शुरू हो चुका है। मानगो में 24 घंटे में दूसरी बार दिन दहाड़े गोलियां तड़तड़ आई है। इस बार झामुमो नेता पर हमला हुआ पर वे बाल बाल बच गए। अपराधियों ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। बुधवार को मानगो थाना से कुछ ही दूरी पर अपराधियों ने दिन दहाड़े झामुमो नेता मुजाहिद खान पर गोलियां दागी। हालांकि निशाना चूक गया पर वे बाल बाल बच गए। गोली चालन से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हमलावर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। वे संख्या में 4 थे। सूचना पाकर डीएसपी और थाना प्रभारी पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल से खोखा बरामद किया और घटनास्थल भीड़भाड़ वाला है और वहां स्थित दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। यहाँ नहीं बैठना बैठा जाता है, कुर्सी दूसरे की है। दूसरे की जगह पे आप पूछ के ना बैठेंगे तो वो मुझसे थोड़ा सा ऐंठ के बात करने लगा, तो मुझे लगा कि ये अपराधी प्रकृति का है। तो मैंने थाना प्रभारी को फोन किया, मैंने सर इस लड़के को आन के यहाँ पर देखिए, मुझे लगता है ये अपराधी चरित्र का और क्रिमिनल लगता है और बहुत ज़्यादा दबंगाई से बात कर रहा है। तो थाना प्रभारी ने 5-7 मिनट में बोला फोर्स भेज रहे। उसने उसी दरमियान में वो लोग उठे, उठने के बाद मेन रोड से 4 नंबर रोड के पास आए तो हम लोग भी पीछे पीछे आए लोकेशन देने के लिए। पुलिस तो पुलिस की तरफ पहुंची तो उसने मेरे ऊपर 3 फायर करके, वो तीनों गाड़ी स्कूटी किसी गरीब की रिवॉल्वर की बट से मार के स्कूटी छीन के लेके भागे। बहरहाल रामनवमी में टाइट ड्यूटी बजाने वाली जिला पुलिस ने शांतिपूर्वक रामनवमी गुजर जाने से अभी चैन की सांस छोड़ी ही थी कि 24 घंटे के भीतर दो गोली चालन की घटनाओं ने एक बार फिर नई चुनौती खड़ी कर दी है। चार लोग, क्या चीज में था, क्या बता रहे हैं के लोग? वो लोग पैदल थे, इन लोग का गाड़ी छीन के वो भागा। तो किसके ऊपर चलाने आया था गोली? झंझट तो बदझक तो हुआ था मुजाहिद। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन मुखातिब हुए। इस दौरान महागठबंधन के साझा प्रत्याशी चंपई सोरेन के अलावा सभी वरीय नेता गण मौजूद थे। कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे मुखातिब हुए, साथ ही बूथ स्तरीय मजबूती के लिए कई दिशा निर्देश भी दिए। हर बूथ से हम लोग एक दो करके बुलाया, ज्यादा पार्टी की ओर से, पार्टी केंद्रीय कमेटी की ओर से एक कार्यकर्ता का शिविर करने के लिए ये सब तैयार किया है। कैसे बूथ में रहना है, एवी का जो वीवीपैट मशीन भी आ गया है उसको कैसे उपयोग करना है, कैसे बूथ में आपको रहना है, आपका कितना कैसे शिकायत भी कीजिएगा, कैसे शिकायत कीजिएगा। चांडिल में आयोजित संयुक्त कार्यशाला में रांची लोकसभा सीट के प्रत्याशी सुबोध कांत सहाय ने भाग लिया। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल रहे। चांडिल में आयोजित संयुक्त कार्यशाला में रांची लोकसभा सीट के प्रत्याशी सुबोध कांत सहाय ने कहा कि जनता का विश्वास उनके साथ है और कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएगी। इस दौरान पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और सविता महतो भी मौजूद थी। हमारा जो आज सीएनजी स्पीकिंग के बाद यहाँ पे भूमि अधिग्रहण बिल वो गैर मजरूआ जमीन को फिर से लैंड बैंक में जोड़ लेना और पट्टा हम लोगों ने जंगल के लोगों को दिया था जो जुड़ते खोलते थे, केंद्र सरकार के निकम्मा पर के चलते सुप्रीम कोर्ट के खारिज कर, इन सारे सवालों से लेकर के यहाँ की संस्कृति सभ्यता परंपरा आदिवासी मूलवासी का जो झारखंड बना था, क्योंकि ये 18 साल में 15.5 साल इन्होंने राज किया, तो इन्हें कोई इस बात का गिला नहीं होना चाहिए कि हमको समय दें। लेकिन इस राज्य को आज 28वां स्तर पे लाते सबसे निचला स्तर। वहीं दूसरी तरफ विश्व हीमोफीलिया दिवस के मौके पर हीमोफीलिया सोसाइटी द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। हीमोफीलिया ऐसी बीमारी है जिसका उपचार काफी कठिन है और मेडिकल साइंस अभी तक लाचार है। रक्त बहाव से संबंधित इस रोग को लेकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। तो डॉक्टर मत,
सकता है आपके। आज विश्व हेमोफीलिया दिवस है, पूरा सारा वर्ल्ड में आज हम लोग मना रहे हैं। जितना भी सोसाइटी है सब चैप्टर अपना अपना तरीके से वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मना रहा है। ये मना रहा है इसलिए कि फ्रैंक सेनेवल बोल के एक अमेरिकन था, वही हेमोफीलिया का पूरा वर्ल्ड में सब जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है स्थापना किए हैं, तो उसी का जन्मदिन का आधार पर हम लोग भी आज हेमोफीलिया सोसाइटी जमशेदपुर चैप्टर वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मना रहा है। झारखंड विकास मोर्चा द्वारा एक बैठक कर साझा प्रत्याशी चंपई सोरेन की जीत सुनिश्चित करने पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही एक चुनाव संचालन समिति का गठन किया गया जिसकी बागडोर जटाशंकर पांडे को सौंपी गई है। इसके अलावा चट्टानी एकता का परिचय देते हुए और भाजपा को हराने का संकल्प लिया गया। श्री चंपई सोरेन को जिताने को लेकर आज झारखंड विकास मोर्चा के द्वारा जमशेदपुर लोकसभा चुनाव संचालन समिति का गठन किया गया है, जिसके संयोजक श्री जटाशंकर पांडे और सह संयोजक श्री बबुआ सिंह एवं साथ में मोहम्मद इकबाल जो ग्रामीण जिला के अध्यक्ष हैं उनको बनाया गया है। इस पूरे चुनाव संचालन समिति में जुझारू एवं समर्पित कार्यकर्ताओं को जगह दिया गया है। प्रथम चुनाव संचालन समिति की बैठक कल काशीडी दुर्गा पूजा मैदान में संध्या 5:30 बजे होगी। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से अपील किया है कि लोकसभा के महासमर में हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए बिल्कुल ही संघर्ष और चट्टानी एकता के साथ में अपने लोकतंत्र तेवर को दिखाते हुए हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। महावीर जयंती के मौके पर जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान महावीर के भजनों पर भक्त झूमते रहे। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए की अहम बैठक का आयोजन हुआ जिसमें भाजपा और आरएसयू के प्रत्याशियों ने भाग लिया। बैठक में अनुभवी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को कई चुनावी टिप्स दिए और प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों को लोगों के समक्ष रखते हुए वोट मांगने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी दोनों ही एक ही है और दोनों ने लंबा समय में एक साथ रह के देश की और राज्य की सेवा करने का काम किया। सारे नेतृत्वबिंद आशू को यहाँ दोनों ही अनुमंडल के सभी वरीय पदाधिकारी आशू के उपस्थित हैं और सारे लोगों ने बारी बारी से यही किया कि भारी मत से हमें विजय होना। समाधान संस्था द्वारा चौथे स्थापना दिवस पर गरीब और दिव्यांग लोगों के बीच व्हीलचेयर का वितरण किया गया। सामाजिक संस्था समाधान द्वारा गांधी आश्रम में संस्था के चौथे स्थापना दिवस के मौके पर गरीब और दिव्यांगों के बीच व्हीलचेयर का वितरण किया गया। इसके अलावा केक काट कर भी खुशियां मनाई गई।